एक दिन आरती अपने परिवार के साथ बाहर खाने गई। उन्होंने एक छोटे से ढाबे में रोटियां और सब्जियां ऑर्डर की। खाने के दौरान आरती ने ध्यान दिया कि कुछ अजीब सा स्वाद है। वो कुछ कह पाती उससे पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो गई। एक रसोईया थूक मिलाकर रोटियां परोसते हुए पकड़ा गया। ये खबर देखकर आरती का मन घिन से भर गया। वो सोचने लगी, कोई ऐसा क्यों करेगा? आखिर हम अपने खाने पर भरोसा करते हैं, ये मानकर कि इसे साफ सफाई और ईमानदारी से बनाया गया होगा। लेकिन हाल के दिनों में थूक, मूत्र और अन्य गंदी चीजें मिलाने के कई वीडियो वायरल हो रहे थे। कभी आइसक्रीम में थूक तो कभी सब्जियों में थूक। हद तो तब हो गई जब गाजियाबाद से एक खबर आई कि एक घरेलू सहायिका ने आटे में पेशाब मिलाकर रोटियां बनाई थी। सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये एक मानसिक और सामाजिक समस्या है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिकता, हाइजीन और सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर दबे हुए गुस्से को किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। इसे पैसिव एग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जलता है क्योंकि वो उससे बेहतर गाड़ी चलाता है, तो वो उसे गुस्से में घूर कर देखेगा लेकिन कुछ कहेगा नहीं। इसी तरह कई लोग अपने गुस्से को सीधे व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इस तरह के गंदे कामों से उसे निकालते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की शर्ट नापसंद करता है और उसे कैंची से काट देता है, तो वो अपने अंदर के गुस्से को निकालने का पैसिव तरीका अपना रहा है। ठीक वैसे ही ये लोग अपने गुस्से या नाराजगी को इस तरह की गंदी हरकतों से व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अक्सर अपनी नफरत को इस तरह के गंदे कामों से दिखाते हैं। जैसे गाजियाबाद की घटना में एक घरेलू सहायिका ने 8 साल तक काम करने के बाद भी अपने मालिकों के खिलाफ गुस्से का इस तरीके से निकाला जैसे अगर ये किसी अनजान व्यक्ति के साथ होता है। तो सवाल उठता है कि ये गुस्सा किसके खिलाफ है। पिछले कुछ महीनों में भारत में कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां खाने पीने की चीजों में थूक, पेशाब या अन्य गंदी चीजें मिलाई गई, चाहे वो सड़क किनारे के ढाबे हो या होटल। ये मानसिक विकार अब आम होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, सहारनपुर में एक किशोर को रोटी पर थूकते हुए देखा गया था। वीडियो वायरल होने के बाद उसे और होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह नोएडा में 2 लोग मूत्र मिलाकर जूस बना रहे थे। कानूनी दृष्टि से मिलावट का मतलब है किसी चीज में कोई दूसरा पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता खराब करना। संवैधानिक व्यवस्था के तहत खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट के मामले को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के पास कानून बनाने का अधिकार है। इस संबंध में 2 प्रमुख केंद्रीय कानून है। पहला है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 PFA, जो भोजन में मिलावट या संदूषण से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 FSSA। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भी तय करता है। इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की गंदगी को रोकने के लिए एक नया कानून लाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड राइट टू नो अध्यादेश 2024, जिसके तहत ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये कानून ये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को उनके भोजन की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनता के विश्वास का उल्लंघन बताया और कहा कि खाने में किसी तरह की गंदगी मिलाना असभ्य और अमानवीय आचरण है। ये कानून ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती मानते हुए कार्रवाई करेगा। यानी अगर अब कोई इस तरह की घटनाओं में दोषी पाया जाता है तो उसे सीधे जेल हो सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या ये कानून वास्तव में इस समस्या को खत्म कर पाएगा? आम लोगों को अपने भोजन पर भरोसा होना चाहिए कि वो साफ सुथरा और सुरक्षित है। लेकिन जब तक समाज में इस तरह की मानसिकता मौजूद है, तब तक हमें सतर्क रहना होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया कानून एक जरूरी कदम साबित हो सकता है।
हमारे समाज में बढ़ती ऐसी घटनाएं एक बड़े सामाजिक और मानसिक विकार की ओर इशारा करती हैं। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि एक मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब तक लोग अपने गुस्से को सही तरीके से व्यक्त करना नहीं सीखेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अब देखना बाकी है कि सरकार के सख्त कदम और समाज की जागरूकता इस समस्या को कितना कम कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।